नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल्स के और एक नए वीडियो में। क्या हुआ, नहीं पसंद? ओके, और एक बार करते हैं। और क्या हाल चाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना? ओके, तो दोस्तों कुछ तड़कते भड़कते टेक न्यूज लेके हम यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं आपके लिए। और आज का टेक न्यूज होने वाला है टेक न्यूज #16। तो थोड़ा सा भी आपके कीमती वक्त को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लगाओ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले टेक न्यूज की बात करें तो वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी दोस्तों, यहां पे आपको पता है कि इन्फिनिक्स, हाँ रुको 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 रुको, इन्फिनिक्स 8i, इन्फिनिक्स का एक सीरीज का एक टीवी, इन्फिनिक्स का साउंड बार, तीन चीजें लॉन्च होने वाला था 2 दिसंबर को, लेकिन ये डिले करके 3 दिसंबर कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि Redmi के जो Note 9 Pro 5G वाले स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हुआ, उसका बॉक्स का अभी पिक्चर भी आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल पूरा क्लियरली दिख रहा होगा, तो 108 मेगापिक्सल तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं सोच रहा हूं अगर ये इंडिया में आ जाए तो कैमरा का लोग क्या करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो क्वालकॉम का समिट होने वाला था दिसंबर के पहले 2 दिनों में, अभी ऐसा लीक्स आ रहा है कि उसके अंदर Xiaomi जो है अपना जो M11 Pro वाला स्मार्टफोन है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। वैसे लीक्स के अनुसार यहाँ पे आपको Snapdragon का 875 वाला चिपसेट भी मिल सकता है। दोस्तों चौथे न्यूज की बात करें तो वो आता है फिर से PUBG की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि PUBG अप्रूव्ड हुआ कि नहीं, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो PUBG है ये भैया ऑफिशियली अप्रूव्ड हो चुका है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तब फिर किस बात की रुकावट। वैसे और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो PUBG मोबाइल इंडिया वाला गेम है ये सबसे पहले रिटर्न किया जाएगा प्ले स्टोर में, उसके बाद iOS वगैरह में आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो RMX 3063 और RMX 3061 करके दो मॉडल नंबर बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे धीरे धीरे करके लिस्टेड हो रहा था, जिनमें से कोई एक होगा Realme का 8 और दूसरा होगा Realme का X60 सीरीज। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया का जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट है उनके अंदर ये दो मॉडल नंबर भी अभी लिस्टेड हो चुका है, यानी कि ये दो फोन या फिर इनमें से कोई एक आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आज की लास्ट टेक न्यूज की बात करें तो वो आता है छापा मारने की न्यूज के ऊपर। हाँ, ये जो ट्राई है, ट्राई तो आपको पता होगा TRAI जो कि टेलीकॉम कंपनी वगैरह को मतलब करती है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज थे जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, इनके ऊपर ना फाइन किया गया है, और फाइन जो है वो 35 करोड़ से भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। और ये फाइन बेसिकली किया गया है जो भी आम जनता है उनके फोन में जितने भी फेक SMS वगैरह जा रहा है और उसके थ्रू वो लोग बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ रहे हैं, उनको ये लोग कंट्रोल ना कर पाने के वजह से इन लोगों को ये फाइन देना पड़ रहा है। और इस पूरा प्रोसेस में ना BSNL का सबसे ज्यादा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे BSNL को देना पड़ेगा 30 करोड़ रुपए। तो बस दोस्तों यही तक था आज का पूरा टेक न्यूज। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कॉमेंट करके बताना। आज सुबह सुबह ही आपको टेक न्यूज जो है वो मिल गई, वो भी आपके लिए कैसा रहा वो भी आप यहाँ पे कॉमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से कर दीजिए एक लाइक, आज का भी लाइक टारगेट है सिर्फ 10। उम्मीद है आप आज का भी लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे। चलता हूं।